स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेज नंबर 45, चैप्टर नंबर 12, द सेज ऑफ पुरंदर एंड द ट्रीटी विद द मुगल एम्परर, रेड ऑन सूरत. आफ्टर दिस थ्रिम शिवाजी डिड नॉट सिट आइडल. ये सब कुछ जो हुआ था उसके बाद शिवाजी महाराज ऐसे ही शांत नहीं बैठे थे. औरंगजेब ट्रूप्स वेर लेइंग वेस्ट द होल ऑफ महाराष्ट्र. जो औरंगजेब की जो सेना थी वो पूरे महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में, वेस्ट साइड में पूरी वो फैला दी गई थी. उसकी सेना को उसने वेस्ट में लगा दिया था. टू ब्रिंग द एम्परर टू हिज सेंसेस शिवाजी कैरिड आउट हिज डेरिंग रेड ऑन सूरत. अब एम्परर को उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए शिवाजी महाराज ने कुछ ट्रिक अपनाई. तो क्या किया उन्होंने, सूरत पे उन्होंने छापेमारी की. कैसे कि सूरत वॉज सो फार अवे फ्रॉम पुणे दैट नो वन बट शिवाजी कुड हैव थॉट ऑफ दिस डेरिंग रेड. अभी पुणे से सूरत बहुत ही दूर था, कोई सोच ही नहीं सकता था इतनी दूर से सूरत पे छापेमारी करने का. लेकिन शिवाजी एक जो थे उन्होंने सोचा भी और उन्होंने किया भी. शिवाजी वॉज देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड, सॉरी सूरत वॉज देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर एंड अ वेरी रिच सिटी. अभी उस वक्त में एक सूरत जो सिटी थी वो बहुत ही रिच सिटी थी, मतलब वहाँ पे बड़ा ही व्यापार होता था और एक मुगल एम्पायर के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी थी. शिवाजी कैरिड आउट द रेड सक्सेसफुली एंड ब्रॉट होम अ बूटी वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज. अभी शिवाजी महाराज ने सूरत पे रेड तो की और साथ में ही कुछ उन्होंने बोलते हैं कि पैसे वगैरह लेकर आना, वहाँ से छापेमारी करके वो भी लेकर आए. शिवाजी डिड नॉट फॉरसेक एथिक इन द रेड ऑन सूरत. ही स्प्रेड द चर्चेस एंड मॉस्क्यूज. अभी उन्होंने सूरत में रेड तो की लेकिन उन्होंने उनके जो एथिक्स थे उनको अनफॉलो नहीं किया. जो उनके एथिक्स थे उन पे ही वो चले रहे. जैसे कि उन्होंने चर्चेस और मॉस्क्यूज, जैसे कि चर्च और मॉस्क्यूज जो मस्जिद रहती उन्होंने वो बनाई जगह जगह पे. ही डिड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू वुमन. अभी उन्होंने ये तो किया, साथ में ही उन्होंने जो वुमन रहती है, लेडीज़ रहती है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की बिल्कुल भी. द रेड ऑन सूरत ड्रो औरंगजेब इन टू अ फ्यूरियस रेज. अभी जो सूरत पे उन्होंने रेड की थी शिवाजी महाराज ने, उसकी वजह से औरंगजेब को बहुत ही गुस्सा आ गया था. ही नाउ डिसाइडेड टू पुट एन इन टू द मराठा किंगडम. उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सोचा अभी मराठा किंगडम का हमें कैसे भी करके पूरा मतलब पूरा ही उसे ख़त्म कर देना है. ही ऑर्डर हिज ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जय सिंह टू हम्बल शिवाजी. अभी उन्होंने उनके जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन थे उनके कांटेक्ट में, उन्होंने उनको बुलाया और उनका नाम था मिर्जा राजे जय सिंह. टू असिस्ट मिर्जा राजे इन द कंपेन ही सेंट विथ हिम हिज ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान. अभी मिर्जा राजे जय सिंह को असिस्ट करने के लिए उन्होंने एक को और भेजा और उनका नाम था दिलेर खान. द टू लैंडेड इन द डेक्कन विद अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स. स्वराज वॉज इन द रियल डेंजर. दिलेर खान को भेजा लेकिन साथ में बहुत सारा फंड भी भेजा ताकि उनको कभी ज़रूरत पड़े तो मदद हो जाए. और इसकी वजह से स्वराज पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था उस वक्त. इमीडिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपीडिशन ऑफ सूरत इन 1664 AD शिवाजी महाराज हर्ड अ सैड न्यूज़. अभी ये होने के जस्ट बाद ही शिवाजी महाराज को एक और दुखद घटना सुनाई मिली, मतलब एक सैड न्यूज़ मिली. तो वो सैडनेस ये थी, शिवाजी राजे हैड सफर्ड एन एक्सीडेंटल डेथ वाइल ऑन अ हंट. अभी जो शिवाजी राजे थे, शिवाजी महाराज के फादर, उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई जब वो शिकार पे थे. शिवाजी एंड जीजाबाई वेर ग्रेटली ग्रीव्ड. शिवाजी और जो उनकी माता थी जीजाबाई, इनको बहुत ही अंदर से दुख हुआ था, बहुत ही वो तकलीफ में थे उस वक्त. होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बसम शिवाजी महाराज कंसोल हर. और शिवाजी महाराज ने अपनी माँ को करीब लेते हुए अपनी माँ को सहानुभूति दी. सेज ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी. पुरंदर वॉज वन ऑफ द शिवाजीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट. अभी पुरंदर जो था एक बड़ा ही
फोर्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था शिवाजी महाराज के लिए. दिलेर खान न्यू दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफीटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर. अभी दिलेर खान को पता था कि जो शिवाजी महाराज है पुरंदर के मास्टर है, मतलब पुरंदर के पुरंदर का एक्स वाई जेड सब कुछ पता है, जैसे कि उसके दरवाज़े कहाँ पे है, कहाँ पे सीक्रेट दरवाज़ा है, कहाँ से आना है जाना है, सब कुछ उनको अच्छे से पता है. तो दिलेर खान को पता है शिवाजी महाराज को सब कुछ पता है, तो पुरंदर उनके पास होते हुए उनको हराना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. ही देयर फॉर लेट सेज टू दिस पावरफुल फूड, और इसके वजह से उन्होंने पुरंदर किला हासिल करने का सोचा और वहाँ पे अपनी आर्मी लगा दी. ही हैड अ ह्यूज आर्मी अंडर हिज कमांड. दिलेर खान के अंडर में बहुत ही बड़ी आर्मी थी. मुरारबाजी वॉज इन चार्ज ऑफ दैट ऑफ द फोर्ट. मुरारबाजी पुरंदर फोर्ट का इंचार्ज था उस वक्त में. ही वॉज अ डिटरमाइंड फाइटर, वुड नॉट इजिली यील्ड टू थ्रेट्स. अभी मुरारबाजी एक स्मार्ट थे, जैसे कि इजिली उनको किसी चीज़ में फंसाया नहीं जा सकता. ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्रेव ट्रुप्स. उनको और भी ब्रेव उनकी ट्रुप्स थी, थोड़े सैनिक थे, उनका भी सपोर्ट था. विद देयर हेल्प मुरारबाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द फोर्ट, और उनके हेल्प लेकर मुरारबाजी ने उस फोर्ट को जीतने का सोचा, मतलब जो दिलेर खान की जो सेना है उसे आउट करने का डिसाइड कर लिया. दिलेर खान्स गन्स वेंट इनटू एक्शन. अभी वॉर स्टार्ट हो गया, दिलेर खान के जो गन्स है उन्होंने गन फायर करके जो वॉर है उसको एक्शन दे दिया. फेरी कैनन्स बॉल्स बिगेन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट. फेरी जो आग के गोले वगैरह बोलते हैं वो फोर्ट पे डालने के लिए शुरुआत हो गई. मुरारबाजी एंड हिज ब्रेव मैन हेल्ड ऑन. द फर्स्ट पॉसम ऑन द माची कोलैप्स अंडर गन फायर. अभी माची कोलाब जो था उस पर भी गन फायर किया गया वगैरह, ऐसा सब स्टार्ट हो गया था. दिलेर खान ट्रुप्स कैप्चर द लोअर फोर्ट, और इसी तरीके से दिलेर खान की जो ट्रिप थी उन्होंने पुरंदर का जो नीचे का हिस्सा रहता है, नीचे का फोर्ट रहता है, उस पर कब्जा कर लिया था. द मराठास विड्रू टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट. लेकिन मराठा सरदार जो थी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कंटिन्यू रखा वॉर. दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हीज कैंप. और जो दिलेर खान था वो अपने कैंप में बैठकर ये सारा जो चल रहा था वॉर वो देख रहा था. फ्यूरियस विथ रेज मुरारबाजी डिसाइडेड टू अटैक द मुगल ट्रूप्स विथ अ सिलेक्ट कंटिजेंट ऑफ 500 मैन. अभी मुरारबाजी थे वो भी, उनको भी एकदम झटका बैठ गया, गुस्सा आ गया, और उन्होंने अपने जो 500 लोगों की जो सेना थी उनके साथ अटैक करने का सोच लिया. ही ओपन द गेट ऑफ द अपर फोर्ट शाउटिंग देअर वॉर क्राई हर हर महादेव. द मावलास फेल ऑन द मुगल ट्रुप्स. और इसी तरीके से उन्होंने अपना जो फोर्ट का अपर दरवाज़ा था वो ओपन किया, जोर जोर से नारेबाजी लगाई हर हर महादेव, और ऐसे ही सेना पे टूट पड़े, मुगल सेना पे वो टूट पड़े. आफ्टर अ फर्स्ट बैटल विच लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम द मराठास रूटेड द ह्यूज मुगल आर्मी विच फ्लेट ओवर दिलेर खान्स कैंप. और कुछ देर की ये लड़ाई में मराठा सरदार ने ऐसा अटैक किया कि जो दिलेर खान की सैनिक थी वो दिलेर खान के कैंप की तरफ भागते हुए निकल गए. मुरारबाजी फॉलोड देम इन हॉट परस्यूट विच इज ट्रू. ही एंटर्ड द कैंप ऑफ दिलेर खान एंड रोड देयर. अभी जैसे ही उसकी सेना भाग रही थी दिलेर खान की तरफ, मुरारबाजी उनके पीछे 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 चले गए उनको भगाते हुए. द एनिमी ट्रुप्स वेर इन फ्लाइट एंड द मराठास इन परस्यूट. उनकी दिलेर खान की सेना दिलेर खान के कैंप की तरफ भागते हुए जा रही थी और मराठा सरदार उनके पीछे पीछे, मराठी ट्रुप्स थी वो पूरी उनके पीछे पीछे जा रही थी. क्राइज एंड शाउट फील्ड इन द होल कैंप. पूरे कैंप में जोर जोर से आवाज़ आने लग गई थी. इन ग्रेट हरी दिलेर खान माउंटेड हिज एलिफेंट एंड लुक्ड अहेड. और ऐसे ही फटाफट दिलेर खान आया अपने एलिफेंट पे चढ़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया. देयर वाज मुरारबाजी हैकिंग द सोल्जर टू पीसेस. और वहाँ पे मुरारबाजी थे, जो भी सामने आ रहा था सबको तलवार से तलवारबाजी करके सबको टुकड़ों में काट के वो डाल रहे थे. ही स्वॉट
moved like lightning, cut throats, broke heads and pieces the hearts of the enemy. अभी उन्होंने कैसे सबको जो सामने आ रहा था उस पर तलवारबाजी करके उसे मार रहे थे वो. नो वन कुड स्टॉप हीम और होल्ड हीम इन द चेक. और वो इस तरीके का उनका सब चल रहा था कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था या डिफ़िकल्ट था उनको उस वक्त रोकना. दिलेर खान वॉच इन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज ग्रेट डिट ऑफ ब्रेवरी. और दिलेर खान ये सब दूर से देख रहा था, जो भी मुरारबाजी दूर से कर रहे थे. मुरारबाजीज इनकम्पेरेबल वेलोर सींग दिलेर खान मुरारबाजी आस्क्ड हिज ट्रूप्स टू अटैक इन फुल फोर्स एंड हिमसेल्फ एडवांस टूवर्ड्स दिलेर खान. अभी दिलेर खान को देखते हुए मुरारबाजी ने अटैक करने के लिए उसके ट्रूप्स को कहा और वो भी दिलेर खान की तरफ आगे बढ़ने लगे. वे एवर ट्राइज टू ऑब्स्टक हिम वॉज कट टू पीसेस. और जो भी सामने आ रहा था वो उसको तलवारबाजी करके काट के साइड में कर रहे थे. द मुगल ट्रूप्स एट लास्ट सराउंडेड मुरारबाजी ऑन ऑल साइड्स. और लास्ट में ऐसा हुआ कि मुगल ट्रूप्स जो थी उन्होंने चारों तरफ से मुरारबाजी को घेर लिया था. जस्ट देन दिलेर खान शाउटेड. और जैसे ही घेर लिया मुरारबाजी को उतने में ही दिलेर खान चिल्लाया, वेट, होल्ड बैक योर स्वॉर्ड्स. कहा रुको, अपनी तलवार पीछे कर लो. द मुगल ट्रूप्स हॉल्टेड एंड मूव बैक टू लिटिल. और ऐसे ही मुगल जो ट्रूप्स थी उन्होंने अपनी तलवार पीछे कर ली और हल्का सा पीछे सरक गए. देन दिलेर खान एड्रेस मुरारबाजी. और दिलेर खान मुरारबाजी की तरफ बढ़ गए. अनटिल नाउ आई हैव नॉट सीन अ स्पोर्ट्समैन लाइक यू. और उन्होंने कहा कि मैंने अब तक तुम्हारे जैसा तलवारबाजी नहीं देखा. यू कैन कम ओवर टू अवर साइड. तुम हमारी तरफ आ सकते हो. आई प्रोमिस यू कम्प्लीट सेफ्टी. मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरी तरीके से सेफ्टी रहेगी. द एम्परर विल मेक यू अ सरदार एंड डिवाइड यू विथ अ जागीर. और जो एम्परर है वो भी तुम्हें सरदार बनाएगा और तुम्हें कुछ जागीर भी देगा. ही इज़ आइज रेड विथ एंगर मुरारबाजी सेड इन रिटर्न. और ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आया मुरारबाजी को और उन्होंने रिटर्न में क्या कहा. वी आर द लॉयल सर्वेंट ऑफ शिवाजी महाराज. उन्होंने गुस्से में कहा कि शिवाजी महाराज के हम एकदम ईमानदार नौकर है. वो वॉन्ट्स टू बाय सेफ्टी फ्रॉम यू. कौन तुमसे सेफ्टी खरीदना चाहता है. वाई शुड वी कम ओवर टू योर साइड. हम क्यों आए तुम्हारे साइड में. एंड वो वॉन्ट्स यूर एम्परर्स जागीर. और कौन चाहता है तुम्हारे एम्परर की जागीर. ही देन मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दिलेर खान एंड अगेन स्टार्टेड अटैकिंग हिज सोल्जर. और इसी तरीके से बोलते हुए वो दिलेर खान की तरफ बढ़े और उनके जो दिलेर खान के सैनिक थे उन पर अटैक करना स्टार्ट किया. दिलेर खान वो वॉज सीटेड इन द हुड्डा ऑन द एलिफेंट बैक रिलीज्ड एन एरो विच पिस मुरारबाजीज नेक. और ऐसे ही दिलेर खान जो एक एलिफेंट पे बैठे हुए थे उन्होंने एक जो तीर बोलते हैं धनुष बाण उसमें से एक तीर मुरारबाजी की तरफ छोड़ा और वो जाके मुरारबाजी के गले में लग गया. मुरारबाजी फेल टू द ग्राउंड. और वो बाण लगते ही मुरारबाजी नीचे गिर गए. हिज फॉलोअर्स लिफ्टेड हिज डेड बॉडी एंड टुक इट बैक टू द अपर फोर्ट. और उनके जो सोल्जर थे मुरारबाजी के उन्होंने वो उनकी बॉडी ली और अपर फोर्ट पर लेकर आए. वॉट इफ वन मुरारबाजी इज फॉलन वी टू आर ब्रेव लाइक हिम. वो लोग बोले क्या हुआ अगर एक मुरारबाजी नहीं रहा. हम भी तो उसकी तरह ब्रेव है. वी विल फाइट विथ करेज. हम हिम्मत से लड़ेंगे. सेइंग सो दे बिगेन टू फाइट अगेन विदाउट लूजिंग हार्ट. और इस तरीके से बोल के वो उन्होंने फिर से अपना जो वॉर था वो कंटिन्यू किया. शिवाजी हर्ड द न्यूज़ विद ग्रेट सॉरो. शिवाजी महाराज को ये घटना सुन के बहुत ही दुख हुआ. ही न्यू दैट ही कुड होल्ड ईच वन ऑफ हिज फोर्ट अगेन द मुगल आर्मी फॉर एटलीस्ट मोर देन अ ईयर. अभी शिवाजी महाराज को पता था कि इसी अगर इस तरह से कैसे चलता रहा तो वो अपने फोर्ट साल भर से ज़्यादा नहीं मतलब बचा सकेंगे मुगल्स के खिलाफ में. ही न्यू दैट ही कुड होल्ड ईच वन ऑफ हिज फोर्ट अगेंस्ट द मुगल आर्मी फॉर एटलीस्ट मोर देन अ ईयर. हाँ, साल भर से ज़्यादा वो ये सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. बिकॉज ऐसे चलता रहा तो
आए दिन उनका कोई ना कोई ब्रेव इंसान, ब्रेव सोल्जर है वो चला जाएगा, बट ही वॉज अनविलिंग टू डू सो एट द कॉस्ट ऑफ हिज मैन वो वुड डाई इन द अटेम्प्ट। लेकिन ये सब कुछ पता होते हुए भी उनको पता था कि इतना ये वो संभाल सकते हैं, लेकिन आए दिन हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई उनका सोल्जर जाएगा वगैरह, ये सब वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो अनविलिंग थे ये सब कुछ करने के लिए। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, व्हाट कुड बी डन, ही वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट द पावरफुल मुगल्स। तो अभी क्या करना चाहिए था, क्या शिवाजी महाराज मुगल्स के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे और ऐसा कुछ था क्या? ऑल हिज पॉलिटिकल स्किल वॉज ऑल्सो ऑफ नो अवेल। क्या उनके पास और भी पॉलिटिकल ट्रिक्स नहीं थी उनसे लड़ने के लिए? देर वॉज ओनली वन थिंग ही कुड डू, ही डिसाइडेड ऑन अ टेम्पररी विथड्रॉवल फ्रॉम द फाइट। अभी वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते थे और उन्होंने वो की कि उन्होंने सोचा कि टेम्पररी ये सब कुछ रोका जाए, और वो कैसा रोका जा सकता था? ही वुड एंटर इन टू अ ट्रीटी विद द मुगल एम्परर। अभी वो एक मुगल एम्परर के साथ एक समझौता कर सकते थे। ही वेंट एंड सो जय सिंह, वो जाकर जय सिंह से मिले। दिस वॉज अ वेरी सेंसिबल एंड स्टेटमेंट लाइक थिंग टू डू, ही से टू जय सिंह, मिर्जा राजे यू आर अ राजपूत। जाकर जय सिंह से मिले, उन्होंने कहा मिर्जा राजे आप भी राजपूत हो, यू कैन अंडरस्टैंड अवर सफरिंग, आप हमें समझ सकते हो कि हम सब और हमारे जो लोग हैं वो किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। द एम्परर्स कंपेन हाउ लेट द कंट्री वेस्ट एंड पीपल आर इन अ ग्रेट मिजरी। अभी जो एम्परर जो है उसकी जो ट्रुप्स है वो हमारे लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचा रही है, हमारे जो लोग हैं बहुत ही तकलीफ में हैं। आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज टू दैट सो दैट पीपल मे बी हैप्पी। और इसके लिए मैंने स्वराज की स्थापना करने का काम हाथ में लिया है ताकि हमारे जो लोग हैं वो सुखी से रह सकें। यू शुड जॉइन मी इन दिस अपहिल टास्क, और इसलिए आप भी मुझे इस टास्क में ज्वाइन करो। इफ़ यू एग्री टू लीड अस, माई सेल्फ एंड माई मावलास विल बी यूअर ट्रस्टेड फॉलोअर। और आप अगर हमें ज्वाइन करते हो तो मैं और जो मेरे मावलास है वो आपके ट्रस्टेड फॉलोअर्स बन जाएंगे। जय सिंह वॉज अ स्वीट डिप्लोमेट, और लेकिन जो जय सिंह था वो थोड़ा अलग तरीके का इंसान था। ही परशूड शिवाजी टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विद अ एम्परर। और जो जय सिंह ने कहा कि आपको कुछ है और एक समझौता करना है तो उसके लिए आपको एक साइन करना पड़ेगा, तो उसमें क्या था, शिवाजी साइन द ट्रीटी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म। और जय सिंह के कहने पे शिवाजी महाराज ने साइन किया, और वो साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे थी 23 फोर्ट्स एंड अ टेरिटरी विद अ रेवेन्यू ऑफ 4 लाख होर्न्स अ गोल्ड कॉइन वेयर टू बी हैंडेड ओवर टू द एम्परर। और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि 23 फोर्ट और 4 लाख सोने के जो कॉइन है वो जय सिंह को देने। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन इन 1665। और ये सब शिवाजी महाराज ने एक्सेप्ट किया, उन पर साइन की, और ये सब साइन किया था, ये सब हुआ वो हुआ था 1665 में। After the treaty was signed, Jai Singh suggested to Shivaji that he should go to Agra and see the emperor. और जब ये साइन करके हुआ तो जय सिंह ने शिवाजी महाराज को सजेस्ट किया कि आप आगरा जाकर एम्परर से मिलो। ही ऑल्सो गारंटेड शिवाजी सेफ रिटर्न, और उन्होंने गारंटी भी दी कि शिवाजी को अपने रिटर्न, मतलब सेफ रिटर्न की, कि वो अच्छे से रिटर्न आएंगे। शिवाजी थॉट ओवर द सजेशन, शिवाजी ने उस सजेशन पे सोचा। ही न्यू दैट द एम्परर कुड नॉट बी ट्रस्टेड, उनको पता था कि एम्परर पे यकीन नहीं किया जा सकता। ही हैड प्रूव्ड ट्रेटिजियस टू हिज ओन ब्रदर, उन्होंने तो सत्ता में, एम्परर ने सत्ता में अपने भाई को भी धोखा दे दिया था। बट इन द एंड शिवाजी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फेस द सिचुएशन एज कंटिन्यूसली। और लास्ट में आखिरकार शिवाजी महाराज ने सोचा कि ठीक है आगरा चले जाते हैं, और उन्होंने इस सिचुएशन को, इस रिस्क को ले लिया। एज ही कुड
ही इन्फॉर्म जय सिंह दैट ही वॉज विलिंग टू गो टू आगरा टू मीट द एम्परर। और उन्होंने जब फाइनल कर लिया कि वो आगरा जा रहे हैं, तो उन्होंने जय सिंह को भी बता दिया कि वो विलिंग है आगरा जाकर एम्परर से मिलने के लिए। सो वी हैव डन दिस चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर। सूरत, आंसर इज सूरत, सेकेंड वन। डैश वॉज इन चार्ज ऑफ द फोर्ट ऑफ पुरंदर, सो मुरारबाजी। राइट द आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाई डिड शिवाजी कैरी आउट द रेड ऑन सूरत। आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स। औरंगजेब्स ट्रूप्स वेर लेइंग वेस्ट द होल ऑफ महाराष्ट्र, सो टू ब्रिंग द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू हिज सेंसेस शिवाजी कैरेड आउट हिज रेड ऑन सूरत। वाई डिड दिलेर खान ले सेज टू द पुरंदर फोर्ट। ओके, लेटर आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड हैंडवर्क्स। नेक्स्ट टाइम वी विल सी द चैप्टर नंबर 13। सो राइट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर हिस्ट्री नोटबुक। थैंक यू।